हेलो फ्रेंड्स, ओपन योर एनवायरमेंटल स्टडीज टेक्स्ट बुक एंड गो ऑन पेज नंबर 34। डियर फ्रेंड्स, वी आर लर्निंग रिमेनिंग पार्ट ऑफ अवर सिक्स लेसन गेटिंग टू नो द प्लेस वी लिव इन। लास्ट पीरियड में हमने देखा था कि नोमैडिक लाइफ में हम किस तरह से जीवन जीते थे, लाइफस्टाइल किस तरह की थी, ट्यूब्स, रूट्स, फ्रूट्स खा के गुजारा होता था। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आगे क्या होता है। देखिए पेज नंबर 34। विच हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स, ऑब्जेक्ट्स एटसेट्रा आर सीन इन योर एरिया। दिस इज क्वेश्चन फॉर यू। आपके एरिया में, आप जिस एरिया में रहते हो उस एरिया में कौन सी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, ऐतिहासिक इमारत और स्मारक है जिससे आपका एरिया पहचाना जाता है। अगर हमारे उमरखेड़ की बात करें तो देयर आर थ्री टेम्पल्स, बालकदास टेम्पल, दीज आर द हिस्टोरिकल टेम्पल्स। ओके, नेक्स्ट। अ विलेज, टाउन और सिटी हैज बिल्डिंग्स सच एज टेम्पल्स, केव्स, मॉस्क, चर्च, मेमोरियल्स, फोर्ट्स, म्यूजियम्स एटसेट्रा। विलेज मीन्स छोटा गांव, टाउन थोड़ा बड़ा गांव यानी छोटी सिटी लाइक उमरखेड, और सिटी मीन्स जिसे हम डिस्ट्रिक्ट लेवल की मेट्रोपॉलिटन सिटी कह सकते हैं, जैसे यवतमाल, नांदेड़। ये डिफरेंस मैंने आपको पहले ही बताया था। गांव में जो टेम्पल्स मीन्स मंदिर, गुफाएं, जैसे आपने अगर वेरूर का नाम सुना होगा औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में, तो वहां पर केव्स है, अजंता वेलोरा, तो उसकी वजह से वो फेमस है वेरूर। मॉस्क, मस्जिद, चर्च, जहाँ पर क्रिश्चियन लोग प्रार्थना करते हैं, जैसे हम हिंदू मंदिर में प्रेयर करते हैं, आरती करते हैं, उसी तरह से क्रिश्चियन चर्च में, मुस्लिम मस्जिद में, मॉस्क मीन्स मस्जिद। मेमोरियल्स मीन्स स्मारक, फोर्ट्स, किले, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के, जैसे रायगढ़ फोर्ट है, इस तरह के और भी फोर्ट्स महाराष्ट्र में हैं। म्यूजियम्स मीन्स वस्तु संग्रहालय, जहाँ पर पुरानी चीज़ें संग्रहित करके एक जगह पर रखी जाती है। इस तरह के बिल्डिंग्स होते हैं हर एक गाँव में। अ प्लेस बिकम्स नोन बाई इज दिस बिल्डिंग्स, और वह जगह उस इमारत, उस मॉन्यूमेंट की वजह से पहचानी जाती है। जिस तरह से दौलताबाद एक फोर्ट है, देवगिरी उससे फेमस है, पंडरपुर एक तीर्थ क्षेत्र है जहाँ पर पांडुरंग का टेम्पल है, यानी इस बिल्डिंग की वजह से वो गांव फेमस हो जाता है, वो सिटी फेमस हो जाती है, पॉपुलर हो जाती है। दे टेल अस अबाउट द रिचनेस ऑफ द प्लेस, दे हेल्प अस टू अंडरस्टैंड अवर हिस्ट्री, और हिस्ट्री मीन्स इतिहास, जो बीत चुका है उस समय के बारे में जानने के वो इम्पोर्टेंट साधन है, इक्विपमेंट है, जिससे हमें हिस्ट्री समझ सकती है। दिस बिल्डिंग्स आर अवर ट्रीजर्स, दे मस्ट बी प्रोटेक्टेड, टू प्रोटेक्ट देम इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जैसे कि हम देख सकते हैं, ये जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है, बिल्डिंग्स है, ये हमारे हेरिटेज है, वारसा है, जिसे हम फिर से नहीं बना सकते। यहाँ पर पिक्चर में फोर्ट रायगढ़ दिया है, छत्रपति शिवाजी महाराज के ज़माने का, मीन्स आज से 400 साल पुराना यह फोर्ट रायगढ़ है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। तो ये जो फोर्ट, म्यूजियम्स, टेम्पल्स है, वो हमारी विरासत है जो हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए जतन करके रखी है। तो हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वी शुड प्रोटेक्ट देम, इट्स अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें भी उसकी देखभाल करनी चाहिए। क्योंकि अगर वो नष्ट हो गए, समझो वो डिस्ट्रॉय हुए, तो हम उसे फिर से नहीं बना सकते, और वो जो इतिहास की विरासत है उसकी जिम्मेदारी किस पर है, हम पर। अ प्लेस में अल्सो बिकम फेमस बिकॉज ऑफ रिलीजियस प्लेस, फेयर और फोर्ट। कोई जगह रिलीजियस प्लेस होती है यानी धार्मिक स्थल होता है, जैसे मक्का मदीना है, रिलीजियस प्लेस है, पंडरपुर, तुलजापुर, ये कुछ रिलीजियस प्लेस है। फेयर मीन्स यात्रा, आपने माळेगाव का नाम सुना होगा नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर बड़ी यात्रा रहती है, तो उससे भी फेमस हो जाती है सिटी, शहर, गांव। फॉर एग्जांपल, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट इज़ नोन फॉर द रायगढ़ फोर्ट, और जिस तरह से हमारा यवतमाल डिस्ट्रिक्ट है, ठीक उसी तरह एक रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट है हमारे वेस्ट महाराष्ट्र में। तो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जो रायगढ़ फोर्ट है, उसी के नाम पर उस डिस्ट्रिक्ट को रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट घोषित किया है। ओके, नेक्स्ट।
Ask your teacher or parents how your place got its name. अभी आपको ये आपके parents को पूछना है. Generally हम उमरखेड़ के आस पड़ोस में रहते हैं, तो उमरखेड़ आपको पता है कि उमरखेड़ को जो ये नाम है उमरखेड़ ये किस तरह से मिला है. हम जिस प्रदेश जिस एरिया में जिस टाउन में टाउन के आसपास में रहते हैं, उमरखेड़ का पूरा जो पुराना नाम था वह था औदुम्बर क्षेत्र. और औदुम्बर मीन्स एक पेड़ का नाम है औदुम्बर, उम्बर जिसे हम कहते हैं मराठी में. ओके, यहाँ पर औदुम्बर के पेड़ ज़्यादा होने के कारण इसे औदुम्बर क्षेत्र कहा जाता था. और बाद में उसमें चेंज होते हुए आज हम उमरखेड़ कहते हैं. ये हमारे उमरखेड़ की हिस्ट्री है, नाम की हिस्ट्री. ऐसी हर एक गांव की तो नहीं, लेकिन मैक्सिमम गांव की होती है. जैसे यवतमाल जो हमारा डिस्ट्रिक्ट प्लेस है उसको, वो एक तो जंगल में है, माल मीन्स मराठी में जंगल होता है. और वहाँ पर एक छोटा गांव था एवती नाम का, तो एवती और माल जंगल में होने के कारण उसको यवतमाल कहा जाता है. ओके, जैसे नांदेड़ हमारे पास में है, तो नांदेड़ को नंदियाड़ नाम था, लेकिन उसका अपभ्रंश हो के यानी थोड़ा चेंज होते होते आज नांदेड़ बन गया है. Find out and write down names of places which have been named after person, fruit, flower, tree, animal, bird or water. कुछ गांव के शहर के नाम तो ऐसे हैं कि फूल, फल, पौधों, व्यक्ति, जानवर, पंछी, पानी, इस तरह के ऊपर रखे गए. जैसे कोल्हापुर, कोल्हा फॉक्स एनिमल आपको पता है ना. ट्री, अभी हमने देखा कि उमरखेड़ ट्री पर ही नाम दिया है, तो ऐसे नाम आप सर्च कर सकते हो. ईच टाउन हैज अ नेम. सिमिलरली रोड्स, स्पेयर्स एंड वैलीज, एलीज ऑल्सो हैव नेम्स. फाइंड आउट हाउ दे गॉट दिस नेम्स. हर एक गांव को, शहर को, रास्ते को, चौक को, स्क्वायर को नाम होते हैं, वो किस तरह से मिले आपको ज़्यादा जानकारी लेनी है. आपके आप पेरेंट्स से ले सकते हो. डू यू नो, क्या आपको पता है, यहाँ पर एक स्टोरी दी है छोटी सी. While returning from Surat, Chhatrapati Shivaji Maharaj stopped near Talegaon, Dindori, in Nashik district. He has set up his army camp or tad there, giving the place the name Talegaon. Chhatrapati Shivaji Maharaj, जिन्हें हम सब जानते हैं, हिंदवी स्वराज्य संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज, जब सूरत से, गुजरात के सूरत शहर से लड़ाई करके, युद्ध करके जब वापस आ रहे थे महाराष्ट्र में, उस वक्त उन्होंने नाशिक डिस्ट्रिक्ट का एक गाँव था दिंडोरी, उस दिंडोरी में अपने आर्मी के साथ, सोल्जर्स के साथ, सैनिक के साथ रुके एक रात के लिए. उसको मराठी में तड़ देने ऐसा कहते थे, सैन्याचा तड़ देने. ओके, तो उस जगह पर रुकने की वजह से उस गांव को नाम दिया तळेगाव. एक रात के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज वहां पर रुके थे, रेस्ट की थी उन्होंने. ओके, धामनगाव पाथ इन अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट वॉज सो नेम बिकॉज फॉर्मली देयर वॉज एन अबंडेंस ऑफ धामन ट्रीज देयर. धामन का एक जंगल में पेड़ होता है, और अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट के एक गांव में वो पेड़ ज़्यादा थे, तो उस वजह से उस गांव को धामनगाव पाथ इस तरह का नाम मिला. ओके, दिस इज धामनगाव पाथ इन अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट. देयर इज अ विलेज कॉल्ड आष्टी धोतर जोड़ियाची इन परतूर तालुका ऑफ जालना डिस्ट्रिक्ट. औरंगाबाद के पास जो जालना डिस्ट्रिक्ट है उसके परतूर तालुका में एक आष्टी नाम का गांव है छोटा सा, उसको आष्टी धोतर जोड़ियाची इस तरह से नाम मिला. क्यों मिला? फाइन धोतर जोड़ीज ऑफ एक्सलेंट क्वालिटी वेयर मेड देयर, दिस गेव द विलेज इट्स नेम्स. और वहाँ पर आज जो हमारे दादाजी वगैरह धोती पहनते हैं, वहाँ पर फाइन क्वालिटी, एक एक्सलेंट क्वालिटी की धोती कम रेट में अच्छी तरह से मिलती थी, इसलिए वो धोती की वजह से फेमस हुए. तो उस गांव को नाम ही दे दिया कि आष्टी धोतर जोड़ियाची. ओके, गो ऑन नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 35. हेयर ऑल्सो गिवन वन स्टोरी ऑफ शिवराम हरिराज गुरु. वी विल सी. शिवराम हरिराज गुरु वॉज एन इम्पोर्टेंट रिवोल्यूशनरी इन इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम. वी गॉट फ्रीडम इन 1947. हमें स्वतंत्रता कब मिली? 15th अगस्त 1947 को हमें स्वतंत्रता मिली. उसके पहले हम ब्रिटिश रूल में थे, ब्रिटिश रूल के अंडर थे. शिवराम हरी राजगुरु एक रिवॉल्यूशनरी का नाम है, क्रांतिकारक. ही वॉज वन ऑफ द थ्री फेमस रिवॉल्यूशनरीज, भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव. आपने इनका नाम सुना होगा, इस पर एक मूवी भी आई थी, आपने देखी है क्या?
ये उनके साथी थे भगत सिंह एंड सुखदेव। राजगुरु वॉज बॉर्न इन खेड़ इन पुणे डिस्ट्रिक्ट। पुणे डिस्ट्रिक्ट के खेड़ तालुका में राजगुरु का जन्म हुआ, शिवराम हरि राजगुरु का। उनका पूरा नाम था शिवराम हरि राजगुरु। ये उनका पिक्चर है, आप इनके बारे में नेट पर और भी जानकारी सर्च कर सकते हो। ये नाम टाइप करने पर, एंटर प्रेस करने पर आपको और जानकारी, उनके पिक्चर्स वगैरह मिलेंगे आपको। आफ्टर एलिमेंट्री एजुकेशन ही मूव टू अमरावती। प्राइमरी एजुकेशन होने के बाद वो अमरावती को गए। देयर एट द हनुमान व्यायाम शाला ही टुक अप द कॉज ऑफ पैट्रियोटिज्म। एट 15 ईयर्स ऑफ एज ही वेंट टू बनारस टू स्टडी संस्कृत। उम्र के 15 साल में वो बनारस गए, जहाँ पर उन्होंने संस्कृत भाषा का अध्ययन किया, संस्कृत भाषा उन्होंने सीखी। ही न्यू सेवरल लैंग्वेजेस सच एज मराठी, संस्कृत, हिंदी, उर्दू एंड इंग्लिश। उनको 5 भाषाएं आती थी, कौन सी? मराठी, संस्कृत, हिंदी, उर्दू एंड इंग्लिश। दीज आर द 5 लैंग्वेज नोन बाय शिवराम हरि राजगुरु। भगत सिंह एंड सुखदेव वेर इज क्लोज फ्रेंड्स। उनके दोस्तों का नाम था भगत सिंह एंड सुखदेव। लेटर ही टूक पार्ट इन रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज एंड बिकेम अ मार्टियर फॉर द कंट्री। और उन्होंने देश के लिए हौतात्म्य स्वीकार किया। इन हिज मेमोरी केड हिज वर्क प्लेस हैज बीन नेम रिनेम राजगुरु नगर। हमने देखा है कि उनका जन्म खेड़ तालुका में हुआ था, खेड़ गांव में, पुणे डिस्ट्रिक्ट के। लेकिन शिवराम हरि राजगुरु के मृत्यु के बाद, उनके देहांत के बाद जब उनको फांसी दी गई थी देश के लिए, तो उनका देश के प्रति जो कर्तव्य था, उनका कार्य था, उसको ध्यान में रखते हुए उनके ऑनर में उस गांव को नाम ही दे दिया राजगुरु नगर। यानी उनका नाम राजगुरु था ना, तो उस पूरे खेड़ गांव को ही नाम दिया राजगुरु नगर उनकी याद में। ओके फ्रेंड्स, तो आपके आस पड़ोस भी में भी ऐसे बहुत सारे गांव हैं जिनको नाम किसी व्यक्ति के नाम पर दिया है, किसी फल के फूल के नाम पर दिया है, ऐसे आप और भी सर्च कर सकते हो। अनदर पॉइंट वी विल डिस्कस हियर, वर्ल्ड हेरिटेज डे, जागतिक वारसा दिन। 18 अप्रैल इज वर्ल्ड हेरिटेज डे। ऑन दिस डे पे अ विजिट टू अ फोर्ट और नेशनल मॉन्यूमेंट, लर्न अबाउट इट्स इंपॉर्टेंस, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द रूल्स फॉर प्रोटेक्टिंग वर्ल्ड हेरिटेज साइट। 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे सेलिब्रेट किया जाता है, जागतिक वारसा दिन। यानी हमारे पूर्वजों ने विरासत में हमें जो मॉन्यूमेंट्स, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स दी है, उनके प्रति आदर व्यक्त करने के लिए, उनकी देखभाल के लिए जागृति हो, लोगों में सुरक्षा की भावना हो, प्रोटेक्शन के लिए हो, लोग सजग हो, इसलिए ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस दिन आपको क्या करना है कि आपके आसपास में एरिया में अगर कोई फोर्ट है, म्यूजियम है, तो उसको विजिट देना है। ऑफ्टन पिक्चर्स ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स एंड ओल्ड वाड़ाज इन योर सराउंडिंग्स, स्टिक देम इन फ्रेम्स। इस तरह के फ्रेम में आप जिस बिल्डिंग को मिलने के लिए, यानी विजिट देने के लिए गए थे, उनके पिक्चर निकाल के इसमें पेस्ट कर सकते हो ऐसे फ्रेम में। जस्ट एज अ प्लेस बिकम्स रिनाउंड बिकॉज ऑफ फोर्ट्स और हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, इट ऑल्सो गेन्स रिनाउंड बिकॉज ऑफ इट्स पीपल एंड देयर गुड डीड्स। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट सोल्जर्स, राइटर्स, आर्टिस्ट एट्सेट्रा इन योर नेबरहुड, इन्वाइट देम टू योर स्कूल एंड इंटरव्यू देम। और आपके गाँव के पास में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, सही आर्मी का व्यक्ति हो सकता है, आर्मी मैन हो सकता है, लेखक, कवि, कोई कारागिर हो सकता, कारीगर हो सकता है जो कि मूर्ति अच्छी तरह से बनाता है। तो ऐसे व्यक्ति से आप मिलिए, उनसे बातचीत कीजिए, उनको स्कूल में प्रोग्राम में इनवाइट कीजिए और उनकी उनका जो है इंटरव्यू लीजिए कि आप किस तरह से करते हो, यानी आपको भी उनके बारे में जानकारी मिलेगी। सो रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस लेसन वी विल सी इन नेक्स्ट वीडियो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।